समझे सारे मुझसे आज ही ना निकाले थोड़ा गुस्सा बचा रखे दोबारा मिलना नहीं चाहते दोबारा मिलेंगे और ये कोई आखिरी निश्चित नहीं है हमारी दूसरा ये है जो पॉजिटिव नोट है उसके साथ दिल भी खोलते हैं दिल खोलने की भी जरूरत है कभी कभी सामने वाला खटखटा रहा होता है हम भी दिल नहीं खोलना चाहते दिल भी खोला करे और दिल बड़ा भी रखा करे और दिल बड़े करने की बात ये है यहाँ से जैसे आपने कहा है आपको बड़ा हम्बल ओपिनियन दिया है आपकी बात तस्लीम की है आपका गुस्सा भी तस्लीम हुआ सर सारों की तरफ से आखिर में कहना ये है कि सारे पार्लियामेंटेरियन हैं तमाम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान में उठने वाला हर इश्यू जो है वो तमाम पाकिस्तानियों का है और हम तो इस कैद से भी आजाद होना चाहते हैं कि हमारा और तुम्हारा कोई नुमाइंदा नहीं सारे नुमाइंदे सारे पाकिस्तानियों के नुमाइंदे हैं और हम शायद खलील साहब को आवाज देने की बजाय हम मियां कासिम साहब को इसलिए कि जो बड़ा कौमी धारा है उसमें जो वोट कास्ट किया जाता है वो अपने हलके के नुमाइंदे के लिए कास्ट किया जाता है और जो अपने हलके का नुमाइंदा है वो हमारा सबसे करीबी हमसा है वो मुसलमान का नुमाइंदा भी है मसीह का भी नुमाइंदा है हिंदू का भी नुमाइंदा है हम इस बहस से ही निकल जाते हैं और जो वहाँ गए हैं रिजर्व सीट्स पर वो अपने नहीं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की खिदमत करने में कोई कामयाब हो रहे हैं या कुछ बोलने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनका एहतसाब जो है वो पब्लिक में भी होना चाहिए पार्टी के अंदर भी होना चाहिए ये हमारा कंसेंसस है इस पे बाकी पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक ऐसी तंसील मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ इसको लें इसका मतलब अपने बाद में निकाल लेना इसको दिल में रख लें और जब आपको दिल में दर्द महसूस होगी पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए तो आपको मेरी बात याद आएगी जहाँ से जो बहस चली किसने किसको कबूल किया या हमने इकट्ठे ही सफर शुरू किया इसको यूँ समझ लें कि पाकिस्तान एक बहुत पुराना बूढ़ा दरख्त है क्यों क्योंकि ये 47 से भी पहले यही धरती थी यही हम बैठे हुए थे 47 होता है तो हमें पाकिस्तान मिलता है और ये जो बूढ़ा दरख्त है जब हमने बॉर्डर लाइन खींची तो इस बूढ़े दरख्त पर मुख्तलिफ देशों से मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले मुख्तलिफ रंगों के परिंदे अपने अपने वक्त के साथ उड़ते उड़ते आए और उन्होंने उस बूढ़े घने दरख्त पर जहां जहां उनको जगह मिली अपना अपना घोंसला बनाया और उस दरख्त ने अपनी घनी छांव और अपनी शाखों को इतना फैलाव दिया कि हर आने वाले हर किस्म के परिंदे को अपने यहाँ एक गुंजाइश दी जहाँ वो घोंसला बना के रह सका जब परिंदे आ रहे थे तो उनको एक दूसरे की बोली भी नहीं आती थी जब परिंदे आ रहे थे तो वो एक दूसरे की जिंस से भी वाकिफ नहीं थे लेकिन जब वक्त के साथ उन्होंने जगह जगह घोंसले बनाए और वो बूढ़ा दरख्त जो है वो उनका एक घर बना तो उनको एक दूसरे की बोलियाँ भी आने लगी एक दूसरे के मुख्तलिफ जिंस होने से भी उनको प्रॉब्लम ना हुई तो एक फैमिली बन गई और रहते रहते जब 6 दहाइयाँ गुजर गए तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस दरख्त के साथ मसला शुरू हुआ और जो सामने वाले दरख्त के परिंदे थे वो इस बूढ़े दरख्त के परिंदों के पास आए और उन्होंने कहा कि इसकी जड़ों में किसी ने जहर रख दिया और ये जहर जो है ये सराय करता करता तने पर जा रहा है
और आपके घरों तक भी जाएगा तो आपको नुकसान पहुंचेगा। तो उन परिंदों ने कहा अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने एक ऐसा इकट्ठ बुलाया और वो बैठ गए और उन्होंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया आप हमें ये बताने आए। हम इस जहर का तदारुक मिलकर करेंगे। और उन्होंने फैसला किया, उन्होंने अपने पंजे अपनी चोंचें इस्तेमाल की और उसकी जड़ों में से उन्होंने वो जहर निकाल बाहर किया और उन्होंने कहा हमने अपना घर बचा लिया, कुछ नहीं होगा। कुछ अरसे के बाद उस दरख्त की जड़ों को किसी ने आग लगा दी। वो फिर उन सारे देशों से परिंदे आए, उन्होंने कहा खौफे खुदा करो, इस दरख्त से छोड़ो, भागो, इसको आग लगने वाली है, तुम सब जल मरोगे। तो उन परिंदों ने सर झोल दिए और उन्होंने कहा कि जब हम परदेसी थे तो इस दरख्त ने हमें पनाह दी, जब हम चिलचिलाती धूप में झुलसने से बचना चाहते थे तो हमने इसकी घनी छांव में पनाह ले ली, जब हम तूफान से बचना चाहते थे, बारिश से बचना चाहते थे तो हमने इसमें पनाह ली, और जब हर मुसीबत से बचने के लिए इसने अपनी बाहों में हमें छुपा लिया, आज अगर इसको आग लगी है तो ये आग भी हम मिलकर बुझाएंगे और हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है और हम आग बुझा लेंगे, हमें यकीन है, आओ मिलकर इस आग को बुझा लेंगे।